Hello students, welcome all of you in this session again. We met again all of you. So crack NEET UG exam with us. Let's crack NEET UG. आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं. मैं आपकी MB मैम हूँ. I am Dr. Neetu Bhavnani. By profession, I am a doctor, dental surgeon और पिछले 7 साल से NEET के students को पढ़ा रही हूँ. अब मैं अनअकैडमी पर नीट यूजी बायोलॉजी की क्लासेस लूंगी नंबर 1 चैनल पर. लेट्स क्रैक नीट यूजी. अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है जो नीट यूजी और उसके साथ साथ वेरी टाइप ऑफ कोर्सेज, इतने तरीके के कोर्सेज हर फील्ड में आपको प्रोवाइड कर रहा है. दिन ब दिन अनअकैडमी की यही कोशिश है कि आपको सबसे बेस्ट दिया जाए. इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. उसके लिए देखिए, अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है अनअकैडमी पर, आपको अनअकैडमी को समझना है, एजुकेटर से एसेस लेना है, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा. जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करेंगे, आप हर चीज को एसेस कर सकते हैं. मैं आपको मिल जाऊंगी, मेरे वेरी टाइप ऑफ कोर्सेस अवेलेबल है. तो आपको सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसके बाद ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस. डेली मतलब रोजाना, इन प्रॉपर डिसिप्लिन, इन प्रॉपर रिदम. वहां पर टॉप एजुकेटर्स, एक्सपीरियंस्ड हाईली एजुकेटर्स जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर रखी है, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देंगे. स्ट्रक्चर कोर्सेज मतलब प्रॉपर एक तरीके से कोर्स होगा. नीट यूजी का है, उसमें इतने थ्योरी के चैप्टर्स हैं, प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, एंड देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. टेस्ट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि नीट का एग्जाम के दिन भी एक तरीके का आपका टेस्ट है. तो उसको फील करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए हर थोड़े टाइम में, थोड़ा सा खत्म हुआ फिर टेस्ट हुआ, फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर कोर्स हुआ फिर टेस्ट हुआ. तो इससे क्या है, हम भी आपको एनालाइज कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद को भी एनालाइज कर सकते हो. और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से यू आर एबल टू गेट अनलिमिटेड एसेस. लाइव कोर्सेज देख सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स, जिस भी एजुकेटर को आप पसंद करते हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी के हो, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आप इन सबको देख सकते हैं. यू आर एबल टू गेट फ्री लाइव क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस. सबसे पहले तो जो सेशन चल रहा है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जाइए. दीज आर द एजुकेटर्स. एंड नाउ, अब आपको नीट यूजी का कोर्स लेना है तो एक एजुकेटर आपको सबसे ज्यादा बेस्ट बता सकते हैं. सबसे बेस्ट है 1 साल का, उससे भी ज्यादा बेस्ट है 2 साल का कोर्स. क्या करना है आपको, मेरा रेफरल कोड एमबी, अगेन एमबी मैम, योर एमबी मैम नीतु भावनानी, MB10 रेफरल कोड को यूज करना है. जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो इस कोड को याद कर लीजिए स्टूडेंट्स. सेशन को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. 1 साल 2 साल का कोर्स बेस्ट है. MB10 प्रोमो कोड यूज करिए और डायरेक्ट फॉरवर्ड आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. इज इट क्लियर, बात समझ में आई? चलिए स्टार्ट करते हैं. आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स, उसका नाम है इकोसिस्टम. 12th क्लास का इम्पॉर्टेंट और एक तरीके से कहूं ना तो शायद सबसे आसान चैप्टर है. ठीक है, हम हर चैप्टर को आसान बना के पढ़ेंगे. हर चैप्टर आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है. हर चैप्टर अपने में कुछ बोलता है, उसके अंदर से कंटेंट हम लोग निकालेंगे. यही तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, कोर्स है जिसका उम्दा स्ट्रक्चर है. एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी. क्लास 12 का ये चैप्टर है, इकोलॉजी यूनिट है, इकोसिस्टम. सिस्टम मतलब एक पूरा सिस्टम है, सारे कंपोनेंट्स का बना हुआ है. कोई भी एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, चाहे आप किसी कंपनी की बात कर लें, आप किसी बैंक की बात कर लें, कभी भी कोई सिस्टम किसी एक कंपोनेंट का बना हुआ नहीं होगा. अगर हम इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो इको इज डायरेक्टली, देखो हम लोग अ वर्ड बोलते हैं इको फ्रेंडली. हम हमेशा बोलते ना यार थोड़ा इको फ्रेंडली चलो, पॉल्यूशन मत फैलाओ, इस तरीके से काम मत करो, इन चीजों को करो जो इको फ्रेंडली हो, ऐसी चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करो जो इको फ्रेंडली है. ठीक है, तो चैप्टर का मतलब समझो. आज फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला है. इको मतलब रिलेटेड टू एनवायरमेंट, रिलेटेड टू एनवायरमेंट.
इज इट क्लियर? इन्वायरमेंट मतलब सिंपल से हिंदी में वातावरण, मेरे आसपास मुझे क्या दिख रहा है, कौन से कंपोनेंट दिख रहे हैं, मुझे एयर दिख रही है, वाटर दिख रही है, सॉइल दिख रही है, मैं खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मैं किंगडम एनिमिलिया में आती हूँ, मोनेरन्स अलग है, प्रोटिस्टेंट्स अलग है, फंजाई अलग है एंड प्लांट्स अलग है, तो मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी भी है इस इन्वायरमेंट में और साथ साथ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें आपको एक सिंगल इन्वायरमेंट में नजर आ रही है। इज इट क्लियर? तो इन्वायरमेंट के अंदर इतने सारे कॉम्पोनेंट्स हैं और ये सारे कॉम्पोनेंट्स एक सिस्टम को बना रहे हैं। कोई भी एक सिस्टम होता है, हर कॉम्पोनेंट को सिंक्रोनाइजली यूनिटी में काम करना पड़ता है। यही हमारा इन्वायरमेंट कह रहा है कि वेदर बायोटिक लिविंग वाले हो, बायोवर्ड जहां पर भी आ जाता है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी पे फोकस कर देते हैं, यही तो बायोलॉजी है। नॉन लिविंग के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है, मुझे एयर भी चाहिए, मुझे वाटर भी चाहिए और मुझे लैंड भी चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो ये पूरा सिस्टम है, ये इसके कॉम्पोनेंट्स है। नीट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके वेटेज के बारे में बात करूं, हर साल इसमें बहुत क्वेश्चंस वेरी करते हैं, इसलिए हम वेटेज को एक ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं। इसका ऑन एन एवरेज वेटेज होता है 2 to 3 क्वेश्चंस। अब 2 to 3 में क्या है, एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं और तीन से ज्यादा भी आ सकते हैं, पर इतना देखा। अब देखो इजी चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करो और एक पर्टिकुलर ग्रिप बना लो इस पर। कंटेंट्स, कंटेंट्स क्यों देख रहे हैं, कंटेंट्स देखना इसलिए जरूरी है चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, एक पॉइंट के बाद कैसे उस चैप्टर का इंटररिलेशन दूसरे के साथ है, इसलिए कंटेंट्स को देखना ज्यादा जरूरी है। इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन। इकोसिस्टम नॉर्मल हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किसका बना हुआ है, हर एक कॉम्पोनेंट का क्या फंक्शन है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब पैदावार, कौन पैदा कर रहा है, कौन उसको खा रहा है, इट विल रिलेट प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स, ओके। डीकम्पोजिशन अगेन डिग्रेडेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th का चल रहा है, उसमें मैंने डीकम्पोजर्स फंजाई के बारे में बताया, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साफ करने में मदद करते हैं, दे आर द स्केवेंजर, दे आर द क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ देंगे। देन एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोसिस्टम सर्विसेज। न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब जो ये न्यूट्रिशन होता है, इसका और ज्यादा जो बेटर वर्जन है हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स घूमते रहते हैं साइक्लिक मैनर में, साइक्लिक मतलब जहां से आप चले हो वहीं पर आकर आपको बात को खत्म करना है। तो ये सारी, ये पूरा फ्रेमवर्क है, मैंने एक डायग्राम लगाया है, देखो इसमें पूरा इकोसिस्टम डिपिक्ट हो रहा है, इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी डिपिक्ट हो रहे हैं और लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी डिपिक्ट हो रहे हैं। Is it clear? Non-living मतलब air, soil and water. Is it clear? This is sun. Sun एक तरीके से sunlight दे रहा है जिससे पूरी life आगे बढ़ रही है. So this is sun. कहीं ना कहीं इसका जो relation है वो productivity से है और living component means these plants and animals. Is it clear students? चलिए contents के बारे में बात हो गई है, lecture को start करते हैं। Again कहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाओ, like, share और subscribe करो, okay? इस video को like, share और subscribe करो आगे के लिए। चलो देखो मैंने इसमें आपको content दिया है, ठीक है। अब content के basis पर again मैं पहले ही clear कर देती हूँ जिससे कि बच्चों के जो comment box में question आते हैं, एनसीईआरटी तो कवर हो रही है प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, थोड़ा मतलब आप इजीली समझ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का कवर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कवर है। अब दूसरी बात, ये मैंने थ्योरी दे दी है जिससे कि आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगी, जो पहले के चैप्टर से उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, टाइप से और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इकोसिस्टम की अगर मैं सिंपल बात करूं और पूरी डेफिनेशन को एक फ्लो चार्ट में समझाने की बात करूं,
तो इकोसिस्टम इज समथिंग रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट. इकोसिस्टम इज समथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. आसपास मुझे क्या दिख रहा है, मुझे आसपास लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों नजर आ रहे हैं, तो ये इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, ये इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए. इज इट क्लियर? अब ये क्या है, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बताती हूं. लिविंग कंपोनेंट्स नॉन लिविंग के साथ क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटरैक्ट कर रहे हैं. इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे क्या है, डिपेंडेंट है. मैंने क्या बोला, डिपेंडेंट है. इज इट क्लियर? इसको भी लिख देती हूँ, डिपेंडेंट है. पूरी जो डेफिनेशन है उसको बता रही हूं. लिविंग नॉन लिविंग को यूज कर रहे हैं. नॉन लिविंग में एयर आते हैं, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस. हमें अगर ऑक्सीजन को इनटेक करना है तो वो एयर के अंदर है, वी हैव टू ब्रीथ इन. अगेन हमारी बॉडी में जो CO2 बनेगा आफ्टर मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन, वो CO2 बाहर निकालना है. ग्रीन प्लांट्स उस CO2 को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करेंगे. तो देखो ऑक्सीजन एंड CO2 भी एनवायरमेंट के बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ घूम रही है. एयर प्लांट्स, एयर एनिमल्स. अब वॉटर, वॉटर हमें इसलिए जरूरी है, हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो वॉटर का बना हुआ है. इवन अर्थ पे मैक्सिमम एरिया वॉटर से सराउंडेड है. मेरी ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो पानी क्यों, मतलब क्यों लिक्विड है, क्योंकि उसको पानी की जरूरत होती है. उसमें रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, लेकिन प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है, मैट्रिक्स है, वही आपके ब्लड को एक तरीके से कहूं तो लिक्विड और मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू बनाता है. तो ये सारी चीजें, तो जो लिविंग और नॉन लिविंग है, दे आर बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन देम. एयर एबायोटिक कंपोनेंट है, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बायोटिक कंपोनेंट है. मैं क्या एक्सचेंज कर रही हूं, किस तरीके से, आपस में रिलेटेड हूं, ऑक्सीजन के थ्रू, CO2 के थ्रू. एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रही हूं और अपनी बॉडी से CO2 को निकाल के एटमॉस्फेयर को दे रही हूं. अब ये जो टर्म इकोसिस्टम है, इसकी जो पूरी स्टडी की, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, टेंसले. सर टेंसले ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं अनगिनत बार इस पे क्वेश्चन आया है नीट में. मतलब ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड है. टर्म इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस बाय, टर्म इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस बाय. ओके, टेंसले टेंसले टेंसले. ओके ना, अब इतना बड़ा एनवायरमेंट है, उसको पढ़ने के लिए अगर हम इकोसिस्टम को सेग्रीगेट कर दें, थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हमारी स्टडी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी. अब देखो, जहां पर भी लिविंग कंपोनेंट है और उनके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट है. लिविंग मतलब, लिविंग मतलब बायोटिक, नॉन लिविंग मतलब ए बायोटिक. बायोटिक मतलब मोनरन से लेकर आप किंगडम एनिमेलिया तक चले जाओ, एंड प्लांट्स को लेकर आप ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक चले जाओ, एनिमल में आप किंगडम्स पे चले जाओ. ए बायोटिक में मोस्टली जो बोलते ना कि ओवरऑल आपको तीन कंपोनेंट्स को याद रखना है, उनके अंदर सब कंपोनेंट अभी मैं बताऊंगी, तीन कंपोनेंट्स को याद रखना है, एयर वाटर एंड लैंड. एयर वाटर एंड लैंड, इन तीन कंपोनेंट्स को आपको ए बायोटिक में याद रखना है. बार बार इनका जिक्र इस चैप्टर में होगा. अब जिस भी एरिया में ये दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं, क्या मैं उस एरिया को इकोसिस्टम डिक्लेयर कर सकती हूं? यस, मैं उस सिस्टम को इकोसिस्टम डिक्लेयर कर सकती हूं. कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज करो ये पूरे अर्थ पर एक बायोस्फीयर पे पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर बायोटिक भी है और ए बायोटिक भी, और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो मैं इसको इकोसिस्टम डिक्लेयर कर दूं. अब अगर इकोसिस्टम लैंड पर है तो टेरेस्ट्रियल, पानी के अंदर है तो एक्वेटिक. फॉरेस्ट है, घने जंगल है, इतने सुंदर सुंदर डाइवर्सिटी हमारे एरिया में. फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, गार्डन है. आप फॉरेस्ट में जाओगे, आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं, आपको एनिमल्स नजर आ रहे हैं, आपको छोटे छोटे हर्ब शर्ब ट्रीज नजर आ रहे हैं, थोड़े से आपको लोग नजर आएंगे जो इर्द गिर्द रहेंगे, ठीक है. अब ये सब क्या हो गए, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. ये ए बायोटिक के साथ जुड़े हुए हैं, वो लैंड पे भी डिपेंड कर रहे हैं,
थोड़ा बहुत प्लांट्स भी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिविंग लिविंग भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और लिविंग नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा इकोसिस्टम है। इसी वजह से इकोसिस्टम क्या है, आगे बढ़ रहा है। अब लैंड पे दिख रहा है फॉरेस्ट है, वो एयर भी यूज कर रहे हैं, वाटर भी यूज कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, इज इट क्लियर। अब देखो मैं पहले कुछ डायग्राम्स दिखाती हूँ। दीज आर द फॉरेस्ट, हेयर यू आर ट्रीज, ओनली ट्रीज का है। देन डेजर्ट, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के तीन एग्जाम्पल हो गए, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड गार्डन्स, ब्यूटिफुल गार्डन्स, देखिए कितनी डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, ये कंटिन्यूसली एयर के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन, CO2, ऑक्सीजन, CO2, तो इट इज डिपिक्टिंग अ पर्टिकुलर पिक्यूलियर एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम। देन आप एक्वेटिक पर आ जाओ, एक्वेटिक में क्या है, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, ठीक है, वी कैन कंसिडर इट एज अ पॉन्ड, लेक्स हो गई, दीज आर ओशियंस। यहां पर क्या है, इनके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स रह रहे हैं, जू प्लैंक्टन्स रह रहे हैं, वो पूरी तरीके से सनलाइट पे डिपेंडेंट है, एयर पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है, तो एक तरीके का इकोसिस्टम हो गया। जहां पर भी लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्ट करेंगे आपको उसको इकोसिस्टम डिक्लेयर करना है, ठीक है। एक्वेटिक में अगर खारा पानी है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो मरीन, अगर सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम है तो फ्रेश वाटर। दीज आर द एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, तो मैं खुद कह रही हूँ बहुत आसान है, प्रैक्टिकल है, सिलेबस में है, लेकिन छोड़ना नहीं। अब अगर छोड़ दूंगी तो भी आपको नाराजगी हो जाएगी कि मैम आपने छोड़ा क्यों ये चैप्टर, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आसान चैप्टर है, प्रैक्टिकल है, फटाफट हो जाएगा, देखते जाइए। लेकिन इन एग्जाम्पल्स से रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आए हैं, इन एग्जाम्पल्स से रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा याद रखो। कभी कभार क्या होता है, फ्रेश वाटर मरीन में कंफ्यूज हो जाते हैं और सी ओशियन पॉन्ड में से गलत ऑप्शन, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे, गलती कम होगी। देन नेचुरल इकोसिस्टम, देखो ये टाइप्स है, अगर हम टाइप्स को सेग्रीगेट करें हैबिटेट के बेसिस पर, तो हमने कहा अगर लैंड पर है तो टेरेस्ट्रियल, वाटर इन्वॉल्व है तो एक्वेटिक। अब क्या है, नेचुरल मतलब नेचर ने अपने हिसाब से उसको जैसे तैसे क्रिएट कर दिया है और वो उसको मेंटेन कर रही है, मतलब ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फॉरेस्ट है, आपको नहीं पता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिड्यूअस रेन फॉरेस्ट कब क्रिएट हो गए, इतना बड़ा ओशियन और सी कब क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन मैन भी आर्टिफिशियल एक्टिविटी से, टेक्नोलॉजी से, अपने हिसाब से, आर्टिफिशियल जहां पर भी वर्ड लगाऊंगी वहां पर मैं उनके सिनोनिम एंथ्रोपोजेनिक और मैनमेड को करूंगी। जहां पर मैन अपनी पूरी यूटिलाइजेशन लगा देता है, मैन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है, अपने हिसाब से कंफर्ट लेवल को यूज करना है, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है, ठीक है। वन विच इज एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस, बनाओगे तो मेंटेन भी करोगे, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया, भाई ह्यूमंस जो बना रहे हैं उसको मेंटेन नहीं करते हैं, नेचर को तो वो हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसी का कॉन्सिक्वेंस चैप्टर पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज, इज इट क्लियर। सो दिस यूनिट इज इंटर रिलेटेड, एग्रीकल्चर, फार्म्स, गार्डन, एक्वेरियम, अब एक्वेरियम छोटा सा सुंदर सुंदर बहुतों के घर में होगा, पानी है उसमें थोड़ा सा पंप लगा दिया, ऑक्सीजन का फिशेस रख दी, अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रख दी, तो वो एक तरीके का वाटर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। वाटर क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, एंड दीज आर द फिशेस, ये क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ये एक्वेरियम वाला हुआ क्योंकि ये ह्यूमन ने बनाया है, ये नेचर ने नहीं बनाया है, इज इट क्लियर। देन ह्यूमन इंटरफेरेंस, ट्री प्लांटेशन हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, पर अब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से अगर वो नेचर को ओवरकम करेंगे तो जो नेचर के रिसोर्सेस हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, वाटर हो गया, इन सबको क्या है, वो हटाते जा रहे हैं अपने कंफर्ट लेवल को एंजॉय करने के लिए, इज इट क्लियर। नाउ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, कल्टीवेशन, क्रॉप्स को उगाना, ठीक है, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करना, प्लांट ब्रीडिंग, तो एग्रीकल्चर और एग्रो इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया है इस पर। देखो मैनमेड में क्या क्या आ गए,
एग्रीकल्चर, आप इसको भी चाहो तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में खुद सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो अगर लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम पे क्वेश्चन आएगा तो किस पे जाओगे, बड़े बड़े खेत इमेजिन कर लो, एग्रीकल्चर आंसर वैसे ही टिक हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब साइज पे देखा, पहला बेसिस क्या है, हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, देखो कैसे रिवाइज भी हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से मैंने कम फ्लो चार्ट में थ्योरी वाइज दिया है जिससे कि आपके पास नोट्स मेंटेन हो जाए फॉर 2020 एज वेल एज 2021 स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? अब हैबिटेट पे देखा, देन हम लोगों ने ह्यूमन इंटरफेरेंस पे देखा, अब साइज पे देखते हैं, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। तो स्मॉल, लार्ज, नैनो, मेगा। स्मॉल मतलब ओके ओके स्मॉल है, लार्ज मतलब बहुत बड़ा है, दीज आर द एग्जाम्पल। नैनो इकोसिस्टम, लॉग ऑफ वुड है, एक लकड़ी का मान लो एक पूरा ब्लॉक है, उस पे आप देख रहे हो छोटी छोटी चींटियां चढ़ रही हैं, फंगस लगी हुई है, तो वुड के साथ कौन इंटरैक्ट कर रहा है, बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स। मेगा इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा ओशियन है, ठीक है। फॉरेस्ट की फिर भी एक लिमिट हो सकती है कि भाई हमने देख लिया, ओशियन की नहीं है। मीजो इकोसिस्टम, तो मीजो मतलब थोड़ा सा मेगा से छोटा है। इज इट क्लियर? नाउ बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, ये जो पूरा ग्लोबल, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाइसेस से मैंने लिखा है, इसमें से कोई क्वेश्चन फेच आउट नहीं होता है। कॉम्पोजिट ऑफ ऑल इकोसिस्टम, अब सारे इकोसिस्टम को जोड़ दो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल है, चाहे वो एक्वेटिक है, चाहे वो मैनमेड है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो स्मॉल है, मेगा है, मीजो है, सब कुछ आप एक ही इकोसिस्टम में डाल दो। जब सारे इकोसिस्टम को ऐड करोगे तो एक ग्लोबल इकोसिस्टम आएगा, एंड ग्लोबल इकोसिस्टम इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग और फॉर्मिंग आर ब्यूटिफुल बायोस्फीयर। पानी आ गया हाइड्रोस्फीयर, लैंड आ गया लिथोस्फीयर, एयर आ गया एटमोस्फीयर, और अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए तो बायोस्फीयर, और ये सब किसके अंदर आते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम। इज इट क्लियर? नाउ बायोलॉजिकल, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, बंद सिस्टम नहीं हो सकता, ओपन है, ठीक है, मटेरियल अंदर आ रहे हैं, मटेरियल बाहर जा रहे हैं, ओपन सिस्टम है क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए बनाने के लिए, तो जब तक इनपुट नहीं होगा आउटपुट नहीं आएगा, रिजल्ट्स इन प्रोडक्टिविटी। भाई लाइफ को सस्टेन अगर इकोसिस्टम में कराना है तो खाना भी खाना पड़ेगा, खाना बनाना भी पड़ेगा, एनर्जी भी यूटिलाइज होगी, एनर्जी की पासिंग भी होगी। इज इट क्लियर? फूड विच इज कंटेन एनर्जी पासिस थ्रू वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, पूरे इकोसिस्टम में मैटर एंड एनर्जी कंटिन्यूसली सर्क्यूलेट करती रहती है, चाहे वो एनर्जी हो या मैटर हो, कंटिन्यूसली उसका सर्कुलेशन होगा क्योंकि मुझे लाइफ की सस्टेनेंस भी तो रखनी है इकोसिस्टम में, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो हम लोग थोड़ा इसको जल्दी ले रहे हैं। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेटिक चीजों को मेंटेन रखो, डायनामिज्म पर कब जाओ कम जाओ, जैसे मेरी बॉडी है एक प्रॉपर होम्योस्टेसिस मेंटेन करके बैठी है, बाहर कैसा भी टेम्परेचर है मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन है। अब मेरी बॉडी को अगर हर चीज को कांस्टेंट मेंटेन करना है तो मेरी बॉडी अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट और एडाप्ट करेगी, ठीक है। तो दिस इज होम्योस्टेसिस, बैलेंस ऑफ नेचर। इज इट क्लियर? अब देखो जब भी कोई वर्क होता है ना उसके दो पॉजिटिव मतलब दो फीडबैक्स आते हैं, आपने किसी चीज को डिलीवर किया या तो लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे या लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, या तो आपको एप्रिसिएशन पॉजिटिवनेस मिलेगी या फिर डीमोरलाइजेशन, आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, या तो लोग आपको एप्रिशिएट कर देंगे या लोग आपको डिप्रेस कर देंगे। सेम इकोसिस्टम के साथ भी यही फंडा है, अगर इकोसिस्टम बैलेंस तरीके से चलेगा तो फीडबैक पॉजिटिव आएगा, अगर इकोसिस्टम में अनवांटेड एक्टिविटीज होंगी, उसके रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हो, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, डेफिनेटली आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात खत्म हो गई, चलो आगे चलते हैं। इकोसिस्टम किन दो चीजों का बना हुआ है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मींस लिविंग कॉम्पोनेंट्स, लिविंग 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 वर्ल्ड में अच्छे से पढ़ लिया है, किन ऑर्गेनिजम्स को आप लिविंग कहोगे, जिनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है,
मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी है, एडेप्टेशन है, वेरिएशंस है, होम्योस्टेसिस है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, कॉन्शियसनेस है. इज इट क्लियर? ये जिसके अंदर है वो लिविंग है, इंडोर्ड बाय लाइफ. जिसके अंदर ये नहीं है वो नॉन लिविंग है, नॉट इंडोर्ड बाय लाइफ. इज इट क्लियर? अब ये देखो, ये पूरा मैंने एक चार्ट बनाकर समझा दिया. इजी टॉपिक है, फटाफट कर लेंगे. फ्लो चार्ट और टेबुलर फॉर्म में ज्यादा पढ़ेंगे. एबायोटिक, बायोटिक. इज इट क्लियर? आगे चलने से पहले मैंने इसके बारे में बता दिया है. एबायोटिक का मतलब क्या है? जो नॉन लिविंग है पर आप उन चीजों को महसूस कर सकते हो, आप उन चीजों को फील कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस की पावर है. अब देखो, क्लाइमेटिक फैक्टर, कभी धूप आ गई, कभी बद्दल हो गए, कभी बहुत ज्यादा कूल ब्रीज चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, सीजन बहुत ठंडा है, सीजन बहुत ह्यूमिड है, उसमें मॉइस्चर बहुत है. इज इट क्लियर? कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा सही है, बरसात आ रही है, पानी है, लाइट, विंड, एवरीथिंग. जिन भी कॉम्पोनेंट्स को आप देख भी रहे हो, फील भी कर रहे हो, रिलेट भी कर रहे हो, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडैप्टिक फैक्टर्स में आते हैं. सॉइल पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि जो प्लांट्स है वो सॉइल में ग्रो करेंगे. आप डायरेक्टली प्लांट्स को ले रहे हो, वो प्रोड्यूसर्स है तो आप भी तो कंज्यूमर्स हो. मिनरल साइक्लिंग होनी चाहिए. डेड ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है, डीकम्पोज हो गया है, नेचर में आ गया है, तो उसकी साइकिल चल रही है पूरी. न्यूट्रिएंट साइकिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, उसके बाद बायोटिक कॉम्पोनेंट. बायोटिक मीन्स लिविंग. अब इनकी क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है, तो जहां पर भी डाइवर्सिटी आती है हम तुरंत क्लासिफाई करते हैं. प्रोड्यूसर्स, नाम बता रहा है, जो प्रोड्यूस करेगा, जो प्रोड्यूस 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 करेगा. क्या प्रोड्यूस करेगा? बायोमास प्रोड्यूस करेगा, खाना प्रोड्यूस करेगा, खुद खाना बनाएगा. ग्रीन प्लांट्स आ गए, प्लास्टिड है, क्लोरोफिल है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट एनर्जी है, तो फूड का मैन्युफैक्चरिंग है. उसके बाद कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स मतलब हिटरोट्रॉप्स. ये खुद खाना नहीं बना सकते, इनके पास प्लास्टिड नहीं है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकते हैं, तो ये डिपेंडेंट है. तो ये क्या कर रहे हैं? डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है? इन पे डिपेंडेंट है. इज इट क्लियर? अब आते हैं डीकंपोजर्स. अगर प्रोड्यूसर्स डेड हो गया या कंज्यूमर डेड हो गया, भाई इन्होंने अपना अपना काम कर लिया, प्रोड्यूसर कंज्यूमर ने अपने लाइफ स्पैन है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट है, इंटरडिपेंडेंट है, अभी मर गए. अब इनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है. ठीक है, क्योंकि अगर ये बहुत टाइम तक डेड पड़े रहे तो इन्वायरमेंट को गंदा कर देंगे, पोल्यूट कर देंगे, फाउल स्मेल आएगी. हम लोग नहीं चाहते. वी आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ डेट्रियोटिंग आर एटमोस्फेयर और इन्वायरमेंट. तो इन पे डीकम्पोजर्स को डाल दो. मतलब डीकम्पोजर्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स. तो यहां पर हम लोग प्लांट्स को ले लेंगे, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स. मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होना मैंडेटरी है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए. यहाँ पर एनिमल्स आ गए हैं, अभी देखेंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स और डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स मतलब बैक्टीरिया. मैं एट अ ग्लांस बता देती हूँ क्योंकि चैप्टर आसान है तो क्विकली ले लेंगे. बैक्टीरिया, फंजाई, स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इज इट क्लियर? ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं. इज इट क्लियर? तो प्रोड्यूसर्स लाइफ स्पेन में अपना काम कर रहे हैं, कंज्यूमर अपनी लाइफ स्पेन में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों डेड हो जाएंगे तो डीकम्पोजर्स इन पे एक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास सेप्रोपेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्टिव मोड. देखो सब कुछ रिवाइज हो रहा है. एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, बॉडी कॉम्प्लेक्स है, डिग्रेड करके स्मॉलर कर रही है. और यही सबसे बड़ा लॉजिक करता है मिनरल साइक्लिंग का, एक तरीके से कहें तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का. स्टूडेंट्स जुड़े रहिए, मैक्सिमम लोग आइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कहीं नहीं जाना, जुड़े रहो मेरे साथ. जब तक मैं यहां हूं कहीं नहीं जाऊंगी. आगे ये डायग्राम मैंने वापस से डाला, क्योंकि बहुत ही सिंपल डायग्राम है और हर चीज को डिपिक्ट कर रहा है. ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, लाइट, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट. एक ही जगह है सब,
सो दिस इज अ इकोसिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन मैंने डायग्राम से बताया है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट, पूरा ये मान लो कि बायोटिक का मतलब क्या होता है कि पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी। नॉन लिविंग में वॉटर, हाइड्रोस्फेयर, सॉइल, लिथोस्फेयर, लाइट, मिनरल्स एंड एयर, एटमोस्फेयर, तो ये सब क्या बना रहे हैं, ये पूरा एक ग्लोबल इकोसिस्टम बना रहे हैं। इज इट क्लियर, आई बात समझ में? चलो अब मैंने क्या है, एक थोड़े से जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको और ब्रॉडर वर्जन में लिखा है। एबायोटिक सनलाइट, सेलिनिटी, सेलिनिटी में आप ये ले सकते हो जैसे नमकीन पानी है, या दलदली एरिया है, मार्शी एरिया है। न्यूमेटोफोर्स का नाम सुना है आपने, मार्शी एरिया, दलदली। आपने मिथेनोजेंस का नाम सुना होगा, आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मार्शी एरिया में, मिथेनोजेंस मतलब दीज आर द दोज बैक्टीरिया जो मार्शी दलदली एरिया में रह के मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया आर समहाउ वेरी वेरी यूजफुल टू अस। दीज एक्सट्रीम टेम्परेचर, करंट, टर्बुलेंस, प्रेशर, लैक ऑफ सनलाइट, थोड़ा सा ब्रॉडर वर्जन में डायग्राम को लगाया है। इज इट क्लियर? अब वो जो लिविंग कॉम्पोनेंट्स वाली साइड कंटिन्यू में लेते हैं, देखो लिविंग में क्या है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, अब आप बोलोगे ना कि मैम ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन करेंगे पर थ्योरी में से भी बता रही हूं। मैटर और एनर्जी, मैटर और एनर्जी, मैटर मतलब, मैटर का मतलब होता है कहीं ना कहीं फूड का प्रोडक्शन, ठीक है, और इस फूड के अंदर क्या है, एनर्जी है, ठीक है, और इनका ट्रांसफर चल रहा है। फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करते हैं, तो अगेन दे आर ग्रीन प्लांट्स। देन दूसरे आते हैं, अच्छा ग्रीन प्लांट्स हैं तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक, बिकॉज दे आर एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? They are able to carry out photosynthesis. Then, next, consumers. Consumer नाम ही बताता है कि ये कंज्यूम करते हैं, ये खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करके कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम क्या कंज्यूम करते हैं, वही फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड में एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इज इट क्लियर? कंज्यूमर्स किस पे डिपेंड करते हैं यार, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो कंज्यूमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो एनर्जी है, वो कहां आ रही है, कंज्यूमर्स में। सो इट इंक्लूड्स फ्लो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स, ये तीन तरीके के इनके लेवल्स डिसाइड करें हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डीकंपोजर्स। हर्बीवोर्स मतलब जो हर्ब्स खा रहे हैं, जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, अगर ये प्लांट को नहीं खाएंगे, इन्हें प्लांट नहीं मिला तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे विल डाई वेरी सून। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, कार्निवोर देखो क्या है, कार्निवोर्स एक तरीके से सिंपल से कहें तो दे आर फ्लैश ईटर्स, और फ्लैश को तोड़ने के लिए, टियर करने के लिए केनाइन्स बहुत जरूरी है। अदर भी ये रिलेटेड है कार्निवोर का केनाइन से, ठीक है। तो कार्निवोर्स किस पे डिपेंड है, हर्बीवोर्स पर। ये पूरा इसी में ही समझा रही मैंने, क्या है आपको थ्योरी देने के लिए, भाई अगर मैं थ्योरी नहीं दूंगी और सिर्फ ऐसे समझाऊंगी तो कुछ नहीं, मतलब क्या कंप्लेन करोगे मैम, यू आर नॉट गिविंग अस अ थ्योरी प्रॉपरली। तो ये पूरी थ्योरी दे रही हूं, ठीक है। ये थ्योरी क्यों जरूरी है 2020 के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि यार एक थ्योरी हो रिविजन के लिए, ठीक है, क्रैश कोर्स जल्दी दूंगी, और 2021 के लिए भी आपके पास पूरा मैटर तैयार पूरा है। तो चाहे आसान टॉपिक हो या कठिन टॉपिक हो, इतने थ्योरी तो मैं दूंगी आप लोगों को, जैसे कि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा दोनों कवर हो रहा है, बस मेरे सेशन को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको पूरा मैटर इसी में मिल जाएगा, बुक खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो यार मैं आप लोगों के साथ मेहनत करके जुड़ रही हूं, तो आप लोग ही मेरे साथ जुड़े रहो, कहीं जाओ मत, ठीक है। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स डिपेंडेंट है हर्बीवोर्स पर, मतलब कार्निवोर्स प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है। आई मेरी बात समझ में? दैट मींस दीज आर द प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और डीकंपोजर्स। हर्बीवोर्स डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स, जैसे काउ हो गया, गोट हो गई। अब काउ सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट है, उसको प्लांट का प्रोडक्ट चाहिए, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर सकती। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है, मतलब प्रोड्यूसर्स के अंदर जो है वो हर्बीवोर्स में आ चुका है, ठीक है। हर्बीवोर्स जो, हर्बीवोर्स में जो है बायोमास ले लो, ऑर्गेनिक मैटर ले लो, एनर्जी ले लो, वो कार्निवोर्स में आ गया है, मतलब इनडायरेक्टली ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। फिर आता है डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट अगर डेड हो जाएंगे तो ये उन पे एक्ट करेंगे, तो प्लांट का मैटर भी इन पे चला गया। डीकंपोजर्स हिटरोट्रॉप्स, आई मीन टू से कार्निवोर्स या हर्बीवोर्स पे डिपेंड करेंगे डेड होने के बाद, तो इनका मैटर भी चला गया। तो देखो ये फ्लो चल रहा है, ये पूरा फ्लो ऑफ एनर्जी और फूड को इंडिकेट कर रहा है। प्रोड्यूसर्स के अंदर जो है हर्बीवोर्स में गया, हर्बीवोर्स के अंदर जो है कार्निवोर्स में गया, और इन तीनों के अंदर जो है वो डीकंपोजर्स पे गया जब ये डेड और डीकंपोज हो गए, ठीक है। तो डीकंपोज को करना किसका काम है? डीकंपोजर्स का। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, फटाफट एट अ ग्लांस देख लेते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक प्रोटीन, सिंथेसाइज योर ओन फूड, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर को यूज करके ये ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से। प्रोड्यूसर्स को ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहते हैं? ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर एनर्जी कन्वर्टर्स, दे आर एनर्जी कन्वर्टर्स। सोलर एनर्जी को यूज करके खाना बना रहे हैं, ग्लूकोज को बना रहे हैं। ग्लूकोज हाई एनर्जी पावर मॉलिक्यूल है, केमिकल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। सो दे आर एक्चुअली एनर्जी कन्वर्टर्स। इस पे भी बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है कि किन को ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या डीकंपोजर्स। इज इट क्लियर? नाउ आप फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरत है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको लेक्चर के पहले में ही एग्जाम्पल दे दिया था कि कहीं ना कहीं प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सारे एयर से रिलेटेड है। ऑक्सीजन और CO2 का कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है। आई बात समझ में? चलो ये एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, पूरी प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स आ गए हैं। अब प्लांट्स टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और प्लांट्स एक्वेटिक भी होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ठीक है। खुद बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ए बायोटिक के साथ रिलेटेड है, सो दे आर फॉर्मिंग द इकोसिस्टम। नाउ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स मतलब एनिमल्स। इज इट क्लियर? ठीक है। हैज लार्जर साइज डीकंपोजर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का सिंपली एक मतलब है सब में से एनिमल्स। एनिमल्स प्लांट्स नहीं है, उनके अंदर हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो डिपेंडेंट रहते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, डायरेक्टली फूड को लेते हैं। तो फैगोट्रोप्स, अमीबा के अंदर होता है वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसीजर, ठीक है, ये ऐसे करके सुडोपोडिया बनाकर तो डायरेक्टली प्रे को क्या करता है, अंदर ले। चलो कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, क्विक लेंगे, आसान सा है। हर्बीवोर्स क्या है? डायरेक्ट ग्रीन प्लांट्स पे फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ये एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, डियर, रैबिट, माउस, स्क्विरल, ग्रासहॉपर, क्रस्टेशियन, मॉलस, प्रोटोजोअन्स, ठीक है। हर्बीवोर्स की इंडस्ट्री एनिमल्स हैं, बिकॉज इट चेंज प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर। देखो हर्बीवोर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें सबसे पहले प्लांट को खाया, तो हर्बीवोर में जो भी प्लांट के अंदर था वो आ गया। अब हर्बीवोर क्या करेंगे? आगे सर्क्यूलेट करेंगे। तो ये की एनिमल है, क्योंकि कार्निवोर डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड नहीं करता है,
डीकम्पोजर्स को आप बहुत तगड़े हाई लेवल पे यूज नहीं कर सकते हो, तो क्रेडिट गोज टू हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स, इनको सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर. ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर? फ्रॉग, सेंटीपेड, बर्ड्स, फिशेस, जैकॉल, ठीक है. कार्निवोर्स विच फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स, देखो प्लांट पे डिपेंडेंट हो गए हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट हो गए कार्निवोर्स. अब इसके अंदर एनिमल्स आएंगे. अभी एक एनिमल हर्बीवोर पे डिपेंडेंट है, सपोज करो ये एनिमल हर्बीवोर को नहीं खा सकता, तो ये एनिमल इस पे डिपेंडेंट है. जस्ट एक फ्लोचार्ट बता रही हूँ, इजी सा टॉपिक है, ठीक है. एग्जाम्पल है सेकेंडरी कार्निवोर्स के, तो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाले, हर्बीवोर कार्निवोर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक है. तो कैसे बनेगा, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इसकी टेबल बना सकते हो. वन डिग्री कंज्यूमर्स फर्स्ट ऑर्डर्स, देन टू डिग्री कंज्यूमर्स एंड देन थ्री डिग्री. आई बात समझ में? और फिर फाइनली आप डीकंपोजर्स को डाल दो, ठीक है, डीकंपोजर्स. ओके स्टूडेंट्स, चलो इजी सा टॉपिक है आज तो. टॉप कार्निवोर्स मतलब, इस पे भी क्वेश्चन आया है, लॉयन. लॉयन को कोई नहीं खा सकता, पर लॉयन सबको खा सकता है. इज इट क्लियर? डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स रिड्यूसर्स भी हैं, सब कुछ लिखा हुआ है. मैं क्विक की पॉइंट्स बता रही हूं आपको. स्केवेंजर्स भी हैं. इज इट क्लियर? और इनको आप सेप्रोट्रोप्स भी कह सकते हो. ये नाम है, इस पे नीट पे क्वेश्चन आया है. देन सेप्रोट्रोप्स के साथ आप इनको डिग्रेडर्स भी कह सकते हो. इतने नाम है और उसके हिसाब से काम एक ही है, पर नाम बहुत सारे हैं, ठीक है. ये क्या कर रहे हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे में तोड़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास एंजाइम्स है. एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इज इट क्लियर? अब इन्होंने डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को अगर डिग्रेड किया है, तो इसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर क्या कर लिया, फेच आउट कर लिया. ऑर्गेनिक मैटर को निकाल कर तोड़ तोड़ के इन्होंने इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया. अभी क्या करेंगे, इसको सर्कुलेट करेंगे बाकी के कॉम्पोनेंट्स में. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये रिसाइकलिंग सॉइल फर्टिलिटी और मिनरलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. देखो लिखा सब कुछ है, मैंने की पॉइंट्स बता दिया आपको. अब आता है एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है. एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स में हम लोग जो मेनली जो ब्रॉड वे में पढ़ते हैं, वो एयर आता है, वाटर आता है और सॉइल आता है. लेकिन यहां पर जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, मैं उसे बताऊंगी. यहां पर हम लोग एडैफिक फैक्टर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं और टोपोग्राफिक को. वो मतलब एक तरीके से हम जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, जो मतलब पूरी तरीके से अर्थ जिसकी बनी हुई है, लिविंग कॉम्पोनेंट्स को हटा दो, वो सारे ले लिए. टेम्परेचर के बारे में बात कर, स्टूडेंट्स अगेन की पॉइंट बताती हूँ. टेम्परेचर बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए, बहुत जरूरी है एक्टिविटीज करवाने के लिए. पर्टिकुलर टेम्परेचर हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए. दैट मींस जो भी लिविंग कंपोनेंट होगा वो इस पे डिपेंड करेगा सर्वाइवल के लिए, डिपेंड करेगा सर्वाइवल के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाने के लिए, अपने आप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए. मेरी बॉडी में दुनिया भर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स को, एंजाइम्स प्रोटीनेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, उन एंजाइम्स को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए. अगर मेरी बॉडी में एंजाइम नहीं होंगे तो शायद डाइजेशन पता नहीं कितने घंटे और कितने दिन चलेगा, पर एंजाइम्स है तो क्विकली डाइजेशन होता है. तो एंजाइम्स को वर्क करने के लिए जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत है, तो क्या मेरी पूरी बॉडी को जरूरत नहीं है? बिल्कुल है. तो कहने का क्या मतलब है, इस पे क्वेश्चन आता है. एक अगर रेंज को कंसिडर करूं कि भाई जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपके इतनी एडवर्स टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं कि शायद बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स नहीं कर सकते.
हम लोग भी नहीं कर सकते, हम लोग तो कतई नहीं कर सकते। तो एक तरीके से ये एक रेंज दे रखी है कि इस रेंज में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, हर एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रहते हैं, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी। इज इट क्लियर? अब देखो, चाहे अभी हम लोग माइग्रेशन की बात करें, यहां पर एक माइग्रेशन टर्म आता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर शिफ्ट हो गया किसी एरिया में, मान लो मूविंग फ्रॉम कश्मीर टू राजस्थान, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी को जो चेंज इन टेम्परेचर है उसके हिसाब से एडप्ट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है एडप्टेशन के साथ। अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें कि मैं टेम्परेचर को किस तरीके से एडजस्ट करती हूँ, एडप्ट करती हूँ, एक्लिमेटाइज करती हूँ, तो वो डिपेंड करता है दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स पे। पॉइकिलोथर्मल, जिन्हें एक्टोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन आता है। होमियोथर्मल, जिन्हें एंडोथर्मल या वार्म ब्लडेड भी कहते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। पॉइकिलोथर्मल मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से बना लेते हैं। अगर एटमोस्फेयर में टेम्परेचर लो है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा फॉर सर्वाइवल। बाहर का टेम्परेचर हाई है, बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो गया सर्वाइवल के लिए। लेकिन जब हद से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है और ये बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को एडप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये स्लीप पे चले जाते हैं। समर स्लीप, विंटर स्लीप, 6 मंथ स्लीप, बहुत सारा खाना बना लेंगे, रिप्रोड्यूस कर लेंगे, फिर 6 महीने तक स्लीप पे चले जाएंगे, क्योंकि बाहर का एडवर्स एनवायरमेंट है, ये अब सर्वाइव नहीं कर सकते, ये अब उसको चेंज भी नहीं कर सकते अपनी ना बॉडी का ना बाहर का। उसके बाद आता है होमियोथर्मल, वार्म ब्लडेड, बाहर का कैसा भी टेम्परेचर हो डजंट मैटर, मैं मेरी बॉडी को इस तरीके से एडप्ट करूंगी कि मेरी बॉडी का हमेशा एक कांस्टेंट, एक स्टेटिक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। उस बॉडी के टेम्परेचर के साथ ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होंगी और एंजाइमेटिक फंक्शंस भी होंगी। आई बात समझ में? चलो, एडप्टेशन के लिए जैसे कोल्ड एरियाज के ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके पास थिक कोट ऑफ हेयर, स्केल्स एंड फेदर्स, जैसे आपने पोलर बियर को देखा होगा, उसकी जो स्किन पे बहुत बाल है, ठीक है, पोलर बियर, तो एक तरीके से जो बाहर की थिक कवरिंग है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ये एक तरीके का एडप्टेशन है। इज इट क्लियर? अभी इसके बारे में और भी डीप में आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। होमियोस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स बता रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। ओके, फाइनली आज हमारा सेशन खत्म हो गया, तो जल्दी जल्दी कर लिया हम लोगों ने, आसान टॉपिक था। चलो अब लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल का नाम है, अनअकैडमी इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग नीट यूजी की क्लासेस को देख रहे हैं। मैंने क्या कहा, आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स, और 1 साल और 2 साल का कोर्स बेस्ट है। यूज माई कोड MB10 टू टेक 10% डिस्काउंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल 2 साल का कोर्स बेस्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इकोसिस्टम चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके आगे की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जब थ्योरी खत्म हो जाएगी वी विल टेक MCQs, कुछ टाइम में क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ और वेरीड क्वेश्चंस का मैराथन सेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून विथ मी, सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही ओवर करती हूँ, टिल देन बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।